जो शख्स भी कतले हुसैन से मुतमस्सिक होता है, जो शख्स भी जिक्र हुसैन से मुतमस्सिक होता है, उसका फायदा उसे यह मिलता है कि उसका कल्ब जिंदा हो जाता है और इंसान की हयात जो हयात जाहिरी है वो चाहे किसी और चीज पर मौकूफ हो, चाहे किसी भी चीज पर मौकूफ हो, लेकिन हयात बातिनी और हयात रूहानी वो कल्ब की हरारत पर मौकूफ है। जब तक इंसान का कल्ब जिंदा है, जब तक इंसान के कल्ब में हरारत है, उसके पास हयात बातिनी पाई जाती है। हयात जाहिरी और हयात बातिनी में कौन सी हयात है जिसे हम मसबूक करें, जिसे सबकत दें, जिसे अफजल जाने? हयात जाहिरी और हयात बातिनी और हयात मानवी, असल में जो चीज वसीले के उन्वान से खल्क होती है और जो चीज मकसद के उन्वान से खल्क होती है, उसमें जो चीज मकसद के एतबार से खल्क हुई है वो अफजल होती है और जो वसीले के एतबार से खल्क हो वो मफजूल होती है। मकसद बड़ा होता है और उस मकसद तक पहुंचने के लिए जो वसीला होता है, बहरहाल वसीला वसीला होता है, मकसद मकसद होता है, दोनों में अगर अफजलियत के एतबार से देखा जाए तो मकसूद असली जो है वो मकसद होता है, असल हदफ जो होता है वो मकसद होता है।
तो हयात जाहरी और हयात बातिनी में, हयात जाहरी वसीला है, हयात बातिनी को के कहिया के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जो जिंदा है हम, ये जो अपनी हयात को हमने इदामा किए हुए हैं, ये हयात जाहरी है। इस हयात जाहरी का मकसद क्या है? इस हयात जाहरी का मकसद ये है कि इस हयात जाहरी को ऐसे गुजारें, इस अंदाज से गुजारें, इस एतबार से गुजारें कि ये हयात जाहरी हमारी हयात बातिनी के लिए मुकद्दमा बने और हमारी हयात बातिनी बेहतर बने। असल मकसद हयात बातिनी है ना कि हयात जाहरी। हयात जाहरी तो वसीला है। अब मसलन आप यहां से सफर करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद मसलन कोई एक शहर है, कोई एक मुअय्यन शहर है जहां पर आप अपनी हयात को गुजारेंगे, जहां पर आप अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, जहां पर आप अपनी पूरी हयात को सरो सामान देंगे, वो आपका मकसद है। और उस मकसद तक पहुंचने के लिए आपने मकसद से सफर का आगाज किया, ये सफर जो है वसीला है उस हयात तक पहुंचने का। सफर में इंसान उतना ही वक्त गुजारता है जितना वक्त उस मकसद तक पहुंचने के लिए लगे। सफर में इंसान अपनी जरूरियात को कम करता है, बहुत ज्यादा जरूरियात को फैलाता नहीं। सफर में वसाइल को कम करता है, बहुत ज्यादा वसाइल को लेकर नहीं जाता, क्योंकि सफर सफर होता है। लेकिन जहां मकसद होता है उसका, जहां उसे पहुंचना होता है, जहां उसे जिंदगी गुजारनी है, वहां के लिए वो सामान दुरुस्त करता है, वहां के लिए वो वसाइल दुरुस्त करता है, वो उसका मकसद है। तो सफर के कुछ अलग एहतियाजात होती हैं और मकसद की कुछ अलग एहतियाजात होती हैं, दोनों अलग अलग। सफर किया इसलिए जा रहा है ताकि मकसद तक पहुंचा जाए। आपसे मैं सवाल करूं, आप सफर क्यों कर रहे हैं, तो आप जवाब क्या देंगे? ताकि उस मकसद तक पहुंचो। कोई शख्स सफर को बराए सफर नहीं करता। ये आपसे पूछे भाई सफर क्यों कर रहे हो, कहे सफर के लिए। सफर कर रहे हो तो कोई मकसद होगा ना, कहीं पहुंचना होगा, कहीं जाना होगा। बगैर मकसद के तो कोई इंसान सफर नहीं करता। हर आखिर इंसान, हर अकलमंद इंसान पहले मकसद को मुअय्यन करता है, फिर मबदा से सफर को शुरू करता है। सफर बराए सफर नहीं होता, और सफर में वसाइल कम होते हैं, सफर में आसानियां इंसान चाहता है, सफर में बहुत ज्यादा फैलाव नहीं होता। ये तमाम चीजें खसूसियात होती है सफर की। मैंने कहा हयात दो किस्म की, एक हयात जाहिरी है, एक हयात बातिनी है। एक हयात मादी है, एक हयात मानवी है। हयात जाहिरी वसीला है, हयात बातिनी मकसद है। हयात मादी वसीला है और हयात मानवी मकसद है। हयात जाहिरी सफर है, हयात बातिनी मकसद है। हयात जाहिरी सफर है। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने हदीस में इरशाद फरमाते हैं, आपने देखा होगा कि आप कोई एक प्रोजेक्ट लें, कोई एक काम आपको दिया गया, वक्त महदूद है आपके पास में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए वक्त कम है, इतना वक्त है आपको, इतना वक्त दिया गया कि आपको एक मकसद तक पहुंचना है,
उस मकसद तक पहुंचने के लिए एक सफर को इख्तियार करना है और उस सफर में जितना वक्त लगेगा उतने वक्त में आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। इतना वक्त आपको दिया गया कि पूरे सफर में आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, इतना ही वक्त है। और फिर मकसद पर पहुंचकर उस प्रोजेक्ट को आपको दे देना है, सबमिट कर देना है। अब आपके इख्तियार में है, या तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें सफर में जाते हुए, या सफर में आप सो जाएं। जब आपकी आंख खुलेगी आप मकसद तक पहुंचेंगे, तो मकसद तक तो पहुंचना है, क्योंकि आप बहरहाल सफर में है, मकसद तक तो पहुंचना है। लेकिन जब आप मकसद तक पहुंचेंगे तो सब कुछ हो चुका होगा, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ होगा। क्यों? इसलिए कि आप सो रहे थे, आपने अपने सफर में इस्तेफादा नहीं किया। इमाम ने क्या कहा, इमाम बहुत अजीब और गरीब बात कहते हैं, कहते हैं कि ये दुनिया सफर की मानिंद है, ये दुनिया सफर की मानिंद है जिसके मुसाफिर सो रहे हैं। ये दुनिया सफर के मानिंद है जिसके मुसाफिर सो रहे हैं। ये जब ख्वाब से बेदार होंगे तो अपने मकसद तक पहुंच चुके होंगे, लेकिन इनके हाथ में कुछ होगा नहीं, क्योंकि सफर सो कर गुजरा। उनके हाथों में कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा सफर सो कर गुजार दिया, सारा सफर नींद के आलम में गुजार दिया। तो इमाम कहते हैं कि दुनिया एक सफर की मानिंद है जिसके सवार सो रहे हैं, जिसके सवार ख्वाब में है। तो ये हयात ज़ाहिरी दर हकीकत वसीला है, ये हयात ज़ाहिरी दर हकीकत सफर है उस हयात मादी तक पहुंचने का। और जिस हदीस करीमा की मैंने दें आपके सामने तिलावत की, उसमें रसूल अकरम ने क्या इरशाद फरमाया, इन्ना लिक़त्ल हुसैन हलालतुन फी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तक्रतु अबदा, के क़त्ल हुसैन से मोमिनीन के दिलों में ऐसी हरारत है जो कभी भी सर्द नहीं होगी। तो जिसका क़ल्ब जिंदा होता है वो हयात मानवी में कामयाब है, वो हयात मानवी में कामयाब है। तो जिक्र हुसैन, कत्ले हुसैन, असल में कत्ले हुसैन में ऐसी क्या खासियत पाई जाती है, ऐसे क्या असबाब पाए जाते हैं, ऐसी क्या खसूसियत पाई जाती है जो मोमिनीन के दिलों को ये कत्ले हुसैन जिंदा करता है। हयात मादी हो या हयात मानवी, दोनों पर असरअंदाज होता है कत्ले हुसैन। कहते हैं कत्ले हुसैन से अगर मुतमस्सिक हो जाओ तो कत्ले हुसैन का एक फायदा ये होता है कि कत्ले हुसैन मोमिनीन के दिलों को जिंदा करता है, कुलूब में हरारत पैदा करता है। कल्ब की हरारत का माना क्या है? कल्ब की हरारत का माना हयात है, कल्ब को जिंदा करता है। बहुत सी मौतें होती हैं, मसलन बदन की मौत कब होती है? एक बदन की मौत है, एक रूह की मौत है, एक माशरे की मौत है। ये तीन मौतों को जहन में रखें, एक बदन की मौत, एक रूह की मौत, एक माशरे की मौत। जब ये जाहिरी कल्ब हरकत करना बंद कर देता है तो उसे बदन की मौत कहा जाता है। जब बदन मर जाता है तो फिर क्या किया जाता है? बदन मर जाता है तो उसे दफन कर देते हैं, इसलिए कि फिर अब वो सड़ेगा, वो गलेगा, अब वो दूसरों के लिए भी नुकसानदेह होगा, तो अब उसे दफन कर दो। ये बदन की मौत है, बदन की मौत के बाद ये अंजाम होता है। और एक रूह की मौत होती है। रूह की मौत कैसे होती है? कहते जब कल्ब में हरारत खत्म हो जाती है ना, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हलालतुन, जब कल्ब से के अंदर से हरारत खत्म हो जाती है तो इंसान की रूह मर जाती है। जब रूह मर जाती है तो बहुत सी ऐसी चीजें जो इंसान को करनी चाहिए वो नहीं करता, और बहुत सी ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए वो करता है।
क्योंकि उसकी रूह मुर्दा है और एक माशरे की मौत होती है, माशरे को भी जिंदा करना पड़ता है। इधर फर्क तो क्या है? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुजजा क्या था? जनाबे ईसा का मुजजा यह था कि वो मुर्दा जिस्मों को जिंदा करते थे, मुर्दा रूहों को जिंदा करते थे। तो जो मुर्दा जिस्मों को जिंदा करता हो उसे जनाबे ईसा कहते हैं, और जो मुर्दा माशरे को जिंदा करते हो उसे हुसैन इब्ने माशरे की मौत जब हो जाती है ना, तो फिर ना वहां अमले बिल मारूफ होता है ना वहां नहीं ये सुन कर होता है। और खुदा बंदे आलम ने खुद रसूल इस्लाम की हदीस को खुदा लानत करता है ऐसी कौम पर जहां पर अमले बिल मारूफ और नहीं ये सुन कर खत्म हो जाए, जहां पर अमले बिल मारूफ और नहीं ये सुन कर खत्म हो जाए खुदा उस कौम पर लानत। तो मुर्दा माशरा जब होता है तो वहां पे अमरे बिल मारूफ खत्म हो चुका होता है, नहीं है मुनकर खत्म हो चुका होता है। तो कत्ले हुसैन में ऐसी खासियत है जो दिलों को जिंदा करता है, दिलों में हरारत पैदा करता है। ये मजलिस हुसैन क्या है, ये जिक्र हुसैन क्या है, ये मानवियात का दस्तरखान है। ये जिक्र हुसैन क्या है, मजलिस हुसैन क्या है, क्या मानवियात का दस्तरखान है। अलग अलग किस्म की नेमतें इसमें लगी हुई है और इजाजत आम है, इजाजत भी आम है। उसने सुलूक अकदार अखलाक एहसान जितनी नेकियां हैं तमाम इस दस्तरखान पर है, जितनी खूबियां हैं तमाम इस दस्तरखान पर है, जितने फजाइल हैं तमाम के तमाम इस दस्तरखान पर हैं, जितने कमालात हैं तमाम के तमाम कमालात इस दस्तरखान पर हैं, और इजाजत आम है जिसे जितना इस्तेफादा करना हो जिसे जितना ले। और इस दस्तरखान की खासियत हमने देखी, इस दस्तरखान से इस्तेफादा करने वाले खामनाई और इस दस्तरखान से इस्तेफादा करने वाले बहजतो मिसबाह बनते हैं, इस दस्तरखान से इस्तेफादा करने वाले मोहसिन हुजाजी बनते हैं, इस दस्तरखान से इस्तेफादा करने वाले शहीद कासिम सुलेमानी बनते हैं। कहते हैं लेकिन एक सवाल पैदा होता है ज़हनों में कि कुछ लोग हैं जो इस दस्तरखान से इसी दस्तरखान से इस्तेफादा किया, ये जो इतने बड़े बड़े नाम मैं ले रहा हूं ये कहां से निकले, इन्होंने कहां से दर्स हासिल किया, इन्होंने कहां से सबक हासिल किया, इन्होंने कहां से कमालात कसब किए, कहें यही दस्तरखान था जिस दस्तरखान पे हम बैठे हुए हैं, यही दस्तरखान था जिस दस्तरखान पे हम बैठे हुए। इस दस्तरखान से पोशे चुन कर जो है कोई खुमैनी व खामनाई बनता है, कोई कासिम सुलेमानी बनता है, कोई मोहसिन हुजाजी बनता है, कोई बहजत बनता है, कोई मिसबाह बनता है, कोई हसन ज़ादे आमली बनता है। आलम में दस्तरखान बिछा हुआ है पूरे आलम। अब देखिए एक मिसाल देता हूँ आपको इसी दस्तरखान से, यहाँ पर एक दस्तरखान आम रख दिया जाए माती आम का, उस पर अलग अलग नेमतें चुन दें, आप अलग अलग किस्म की नेमतों को चुन रख दें सजा दें और इजाजत दे दें सबको कि सबको इजाजत है जो चाहे जितना इस्तेमाल करे, जो चाहे जितना मसरफ करे, इजाजत है। अब आप जितना इस्तेफादा कर सकते हैं कर। अब बहुत से अपराध आए उन्होंने खाया जितना उन्हें लगा उतना उन्होंने खाया, सैर होकर खाया। एक शख्स ऐसा भी आता है जो दस्तरखान के करीब आकर बैठ गया, उससे आप कहते हैं कि भाई आइए खाइए आपके लिए लगाया गया, कहे मैं नहीं खा सकता। कहे क्यों? कहे इसलिए कि पेट में जबरदस्त इंफेक्शन है, अगर जरा सा भी खाऊंगा
तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी, मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी इन्फेक्शन की वजह से या किसी बीमारी की वजह से वो नहीं खाया। तो दस्तरखान तो लगा हुआ था, दस्तरखान की गलती है, इसमें नेमतों की कमी है। नेमतें तो हजारहा थी, इजाजत नहीं थी, क्या इजाजत भी थी? क्या उसके पास हाथ नहीं था? हाथ भी था। क्या उसके पास मुंह नहीं था? क्या मुंह भी था। फिर मसला क्या था? क्या उसके दिल के अंदर बीमारी थी, उसके शिकम के अंदर बीमारी थी, उसके पेट के अंदर इंफेक्शन था। तो सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ नहीं मिला। ऐसे ही अज़ाए हुसैन का दस्तरखान बिछा हुआ है, नेमतें लगी हुई है। अब जिसकी रूह इंफेक्टेड हो वो इससे इस्तेफादा करने के लिए रूह को पाक करिए, रूह को पाक कीजिए। जब रूह पाक होगी तो किसी ने सवाल किया आयतुल्लाह बेहजत से कि क्या वजह है कि हम अपनी इबादतों से लज्जत क्यों नहीं होता? वजह क्या है कि हमें अपनी इबादतों में मजा नहीं आता, हमें अपनी नमाजों में मजा नहीं आता, हमें अपने रोजों में मजा नहीं आता, हमें अपनी और दूसरी चीज इबादतों में मजा नहीं आता, हमारा दिल नहीं लगता? कहा के अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नल क़ुलूब, जिक्र खुदा से कल्ब मुतमईन होता है, इत्मीनाने कल्ब। आज दुनिया किस चीज की तलाश में? इत्मीनाने कल्ब की तलाश में, उसके लिए दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारी चीजों को मसरफ कर रहा है। क्यों? ताकि उसे इत्मीनान कल्ब हासिल हो। कह अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नल क़ुलूब, बेशक जिक्र खुदा से क़ुलूब को इत्मीनान मिलता है। जिक्र खुदा में हलावत है, इबादतों में हलावत है, इबादतों में चाशनी है। ये चाशनी हम महसूस क्यों नहीं कर पाते? इस लुत्फ इबादत से हम लुत्फंदोज क्यों नहीं हो पाते? तो कहा कि इसमें इबादत की कोई गलती नहीं है, इबादत में कोई कमी नहीं है। असल में मसला यह है कि एक सेब लें उसके दो टुकड़े करें, एक शीरीन सेब लें मीठा सेब लें उसके दो टुकड़े करें, एक नहायत ही मरीज शख्स और एक तंदुरुस्त शख्स, एक वो शख्स जिसे शदीद बुखार है और एक वो शख्स जो तंदुरुस्त है, दोनों को आधा आधा तकसीम कर दें। जो तंदुरुस्त होगा वो मजे लेकर सेब खाएगा, सेब का मजा लेगा, और जो बीमार शख्स है जिसे बे इंतहा बुखार है उसे वो सेब मजा नहीं देगा, तल्ख लगेगा, कड़वा लगेगा। क्यों? इसमें सेब की गलती है, सेब तो वही है ना, उसके दो टुकड़े हैं। जो तंदुरुस्त है वो इस्तेफादा कर रहा है, मजा ले रहा है, लुत्फंदोज हो रहा है, और जो बीमार है वो लुत्फंदोज नहीं। जब रूह बीमार हो जाती है ना तो फिर इबादतों में मजा नहीं आता। जब रूह बीमार होती है तो इबादतों में मजा नहीं आता, इबादतों में हलावत नहीं रहती, इबादतों में लुत्फ नहीं आता। बस एक आखिरी बात, ये जो तमाम चीजें मैंने बताई है, जो तमाम फजीलतें मैंने बताई और जिस हदीस करीमा की मैंने आपके सामने तिलावत करी कि यह कत्ल हुसैन हयात बातनी की तामीर करता है, हयात मानवी की तामीर करता है, लोगों के कुलूब को गर्म करता है कि ला तबरुदो अबदा, ये गर्मी ऐसी है जो कभी सर्द नहीं होने वाली। रसूल इस्लाम ने जिम्मेदारी ली है ला तबरुदो अबदा, जो कभी भी सर्द नहीं होगी। आखिर क्या वजह है, क्या चीज पाई जाती है, कौन सी ऐसी चीज पाई जाती है, इसमें कौन सी ऐसी खासियत पाई जाती है इस जंग में, इस जंग करबला में? और भी बहुत सी जंगें हमने देखी हैं, और भी बहुत सी जंगें, उनमें तो ये खासियत नहीं पैदा हुई। इसमें दो किस्म की जंग होती है, ऐसे जाने के नाम, एक हकदार की जंग होती है
एक इक्तदार की जंग होती। इक्तदार की जंग में मुल्क फतह किया जाता है, इक्तदार की जंग में जमीनें फतह की जाती हैं, इक्तदार की जंग में शहर फतह किए जाते हैं, इक्तदार की जंग में करिए फतह किए जाते हैं, लेकिन अकदार की जंग में मुल्क फतह नहीं किया जाता। अकदार की जंग में शहर फतह नहीं किया जाता, अकदार की जंग में जमीनें फतह नहीं की जाती, बल्कि अकदार और इक्तदार की जंग में फर्क यह है कि इक्तदार की जंग जीतने वाला किसी मुल्क का मालिक बनता है और अकदार की जंग जीतने वाला जो है रूहों का मालिक बनता है। कर्बला की जंग कौन सी जंग थी? शाम जीतना चाहते थे इमाम हुसैन, कूफा जीतना चाहते थे इमाम हुसैन, कर्बला जीतना चाहते थे इमाम हुसैन, नहीं ये तो जीते हुए थे, ये तो पूरी मिल्कियत इनकी थी। कर्बला अकदार की जंग थी। अकदार जानते किसे कहते हैं? अकदार वैलूस। अकदार की जंग थी कर्बला और अकदार की जंग जीती गई। इसीलिए तो इमाम ने अपने साथ किन अफराद को लिया? कभी कभी सवाल करते हैं वो अफराद जो नासमझ होते हैं, कहते हैं कि इमाम को अगर जाना था जंग पर तो फिर ये ऐसे जवानों को ले जाते, तेज रफ्तार घोड़ों को ले जाते, सैकल की हुई तलवारों को ले जाते, बड़े बड़े औजारों को ले जाते, बेहतरीन ताकतवर अफराद को ले जाते, अपने साथ 6 महीने के बच्चे को तो ना ले जाते, अपने साथ जनाब ज़ैनब जैसी खातून को तो ना ले जाते, अपने साथ इन मस्तूरात को ना ले जाते। तो अजीजाने गिरामी याद रखें, अगर मुल्क फतेह करना होता तो इमाम पहलवानों को ढूंढते। यहां मुल्क की जंग नहीं थी, यहां अकदार की जंग थी, और अकदार की जंग जीतेगा वो जिसका अकदार बड़ा होगा, जिसकी कद्र बड़ी होगी, जो खुद साहिब अकदार होगा। इसलिए कि हमने मुबाहला में देख लिया था, मुबाहला में कहा कि तुम ले आओ ना, तो अबना अना व अबना अकुम व नेसा अना व नेसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम नबतहिल फनजअल लअनतल्लाह अलल काज़िबीन। क्या करना था? कहे झूठों पर अल्लाह की लानत करना था, तो झूठों पर अल्लाह की लानत करेगा कौन? कहे जो सादिक होगा वही तो झूठों पर लानत करेगा। तो मुबाहला से हमने देखा था जो सच्चे होंगे वही जाएंगे। तो उस जमाने में उस वक्त सच्चे 5 के 5 चले गए। कर्बला के जमाने में भी यहां पर भी जो है अकदार की जंग थी, वही गए जिनका अकदार बुलंद था। तो कभी हम कर्बला की फौज में अली असगर को देखते हैं, कभी ज़ैनब को देखते हैं, कभी उम्मे कुलसूम। सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अकदार की जंग थी, वैलूस की जंग थी। जिस्मों का कट जाना, गर्दन का कट जाना, हाथों का कलम हो जाना, शहीद हो जाना, ये तमाम चीजें जो है कर्बला में आप देखें, कर्बला की जंग ये मसायब नहीं है। ज़ैनब के लिए मुसीबत क्या थी? ज़ैनब के लिए मुसीबत दीन का चला जाना, दीन का खत्म हो जाना। कर्बला में हाथ कटे, सर कटे, चादरें छिनी, ताजियाने लगे, दुर्रे लगे, ये सब कुछ हुआ। इतने जुल्म करने के बाद इब्ने ज़ियाद ने ये सोचा कि अब तो ज़ैनब टूट गई होगी, इसलिए कि कटे हुए बाजू देखकर आई है और कटे हुए सर देखकर आई है, ताजियाने खाकर आई है, दुर्रे खाकर आई है, अपनी चादर देकर आई है, अब वो अपनी मुसीबत का गिला करेगी, अब वो अपनी मुसीबत का शिकवा करेगी, अब वो अपनी मुसीबतों को गिनवाएगी। तो कहा कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुमने कैसा देखा, तुमने खुदा ने तुम्हारे साथ कैसा किया? जनाबे ज़ैनब के दिल मारा है तो इल्ला जलीला, खुदा की कसम हुस्न के अलावा तो हमने कुछ देखा ही नहीं, जमाल के अलावा तो हमने कुछ देखा ही नहीं। अगर खुदा का दीन बच रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, तो ये जमाल है, ये जमाल है। माना है तो इल्ला जमीला। ये है जनाब ज़ैनब, ये है अकदार की
अलमबरदार, यह अकदार को जमाने तक पहुंचाने वाली है। इसलिए कदरे हुसैन में एक खासियत है कि जब कदरे हुसैन से मुतमस्सिक होगे, जिक्र हुसैन से मुतमस्सिक होगे, ऐसे ऐसे कमालात, ऐसे ऐसे असबाब, ऐसे ऐसे दर्द आपको मिलेंगे जो इंसान को उस मकाम तक पहुंचाते हैं। ऐसे ऐसा अकदार इंसान को मिलता है, ऐसा साहेब अकदार इंसान बनता है करबलाई होकर। करबलाई के माने आपने की ना, करबलाई में माने मजाजी और जो मुस्तामल है। इंसान क्या करें, हजारा मुश्किलात हैं, हजारा परेशानियां हैं, कभी कभी रास्ते नजर नहीं आते, कभी कभी मंजिलें समझ में नहीं आती, क्या करें कैसे करें। कभी इबादतों में कमजोरी है, कभी आमाल में कमजोरी है, क्या करें कैसे कामयाबी हो। नतीजा हमारे सामने नहीं है, नतीजा जब पेश होगा उस वक्त होगा जब हम उस आलम में होंगे जिस आलम से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर क्या करें कैसे कामयाब हो। कह एक रास्ता बता दिया, रास्ता क्या है, कह करबलाई हो जाओ, करबलाई हो जाओ, ये कामयाबी है, यही कामयाबी है। करबलाई पे माना है आपके, इसलिए तमाम अखदारात यहां पर बस बताना नहीं। ये जनाब ज़ैनब तमाम मुसीबतें एक तरफ हैं, तमाम मसायब एक तरफ हैं, जनाबे ज़ैनब के अमल को आप देखें, जनाबे ज़ैनब के किरदार को आप देखें। औनो मोहम्मद का जाना और औनो मोहम्मद की लाशों का वापिस आना ज़ैनब के लिए उतना श्राप नहीं था। मोहम्मद को तो खुद से भेजा है, अपनी तरफ से कुर्बान किया है। एक सिर्फ एक जुमला हूं मसायब का, ज़ैनब जैसी चाहने वाली बहन जो अपने भाई के चेहरे पर धूप की तमाजत को बर्दाश्त ना कर सकती हो, अपने वाकया तो सुन रखा हो। ज़ैनब कौन है और इमाम हुसैन कौन है। ज़ैनब वो शख्सियत है जो अपने भाई हुसैन के चेहरे पर धूप की तमाशा को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वही ज़ैनब करबला के मैदान में असर आशूर खड़ी हुई टिल्ले ज़ैनबिया पर खड़ी है और इमाम हुसैन के गले पर शिमर का खंजर चल रहा है। ये वो ज़ैनब, ज़ैनब जो अपने भाई के चेहरे पर धूप की तमाज़त बर्दाश्त न कर पाए, आज उसी बहन ने अपने भाई के गले पर चलता हुआ खंजर देखा और वो भी किस तरीके से, इस तरीके से कि शिमर खंजर चलाता था रुक जाता था, खंजर चलाता था रुक जाता था। हुसैन कभी आंखों को बंद कर लेते थे, हुसैन कभी आंखों को खोल लेते थे। एक मरतबा ज़ैनब से देखा ना गया, आवाज लगा दिया उमर साद, अरे मेरा मांझ आया जिबा हो रहा है और तू खड़ा देख रहा है। उमर साद, अरे मेरे भाई को दो कतरा पानी का पिला दे ताकि मेरे भाई का गला जरा सा तर हो जाए। बस हुसैन ने ज़ैनब की आवाज को सुना, एक मर्तबा मुखातब होके कहते हैं, ज़ैनब अभी तेरा भाई जिंदा है, खेमे में पलट जा। आज वही ज़ैनब ने अपने भाई को अपनी आंखों के सामने ज़िबा होते हुए देखा, ये वही ज़ैनब है। हाँ, शामे गरीबा का मंजर है, शामे गरीबा में वही ज़ैनब अपने भाई को खो चुकी, अब्बास को खो चुकी, औनो मोहम्मद को खो चुकी। सबको खोने के बाद एक मरतबा जब ज़ौजा हुर ने खाने का खान लेकर लाई है
तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है कि रुक जा, मगर वो रोशनी करीब आती गई। एक मर्तबा ज़ैनब को जलाल आता है, उठ के खड़ी होती है, जब करीब आग से देखा तो क्या देखा, ज़ौजे हुर है। एक चाहने वाली को पाकर ज़ैनब के सब्त का यारा ना रहा, अरे दौड़ कर गले लग जाती है। अब बहन सुनोगे ज़ैनब के, कहती है हुर की ज़ौजा, अरे मेरे भाई को 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया है। ربنا تقبل منا.